मैं कल रात 12:02:30 पे अचानक उठ गया। क्यों? पानी पीने। अरे पानी पीने ना भाई। पानी पीने के बाद जो मेरे साथ हुआ ना, वो मुझे अभी तक खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या हुआ। देख, मैंने ग्लास उठाई, उठा लिया, पानी भरा, भर लिया, पी लिया, पी लिया, फिर मैंने बेसिन में ग्लास रख दिया। अरे चूतिया, एक एक चीज़ क्या बता रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ ना। हाँ हाँ रुको, बता रहा हूँ ना, आराम से। तो फिर मैंने ग्लास बेसिन में रखा। हाँ हाँ रखने के बाद, फिर मैं जब बाहर निकला, पूरी बात सुनो, रखने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने एक परछाई देखी। का मतलब तुम्हें भी पता चल गया क्या? हमें तो पहले से ही पता था कि हमारे घर में एक परछाई यानी भूत रहता है। और 80 साल पुरानी बात है ये। 80 साल? हाँ, जब तुम्हारे यहाँ पे कोई भी जायदाद में हिस्सा नहीं था तब की ये बात है, जब तुम्हारा कोई भी नामो निशान नहीं था तब की ये बात है, जब तुम इस धरती पे नहीं थे तब की ये बात है, ये तब की बात है जब तुम पता नहीं कहाँ थे, बस ये तब की बात है। वो ऐसे ही पानी पीने रात में उठा था और उसे भी अचानक एक परछाई दी, और वो भी गायब हो गया। और पता है वो परछाई जो तुम निकल देखी, अबे वो मेरी ही थी, मुझे बाथरूम लगा था, मैं भी रात में उठा था, तो तुमने मेरी परछाई देखी थी, तुम्हें मैं देखा था लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोला नहीं, तुम पागल लड़के, डर गए तुम पागल। अरे तुम तो रह गए भाई, ये इलाहाबाद है समझे बेटा, यहाँ पे पर भूत तो नहीं होता है, भूत अमीर लोग होते हैं समझे कि नहीं, रच्चिल मारो। अरे तुम भी रह गए भाई।